दोस्तों एजीआर केस में सबसे बड़ी खबर निकल गई है, जहां पे एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को यहां पे एयरटेल वीआई और टाटा की जो दोस्तों यहां पे रीकैलकुलेशन वाली पेटिशन थी उसको ठुकरा दिया था। लेकिन उसके बाद इनके पास दो ऑप्शन बचे थे, एक रिव्यू पेटिशन और क्यूरिटी पेटिशन। तो सबसे पहले दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द यहां पे रिव्यू पेटिशन डालने वाला है। लेकिन आज अपडेट निकल गया कि वोडाफोन आइडिया के साथ साथ अब यहां पे भारतीय एयरटेल भी दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, जहां पे फिर से बताया जाएगा कि यहां पे डीओटी ने झोल किया है पूरी कैलकुलेशन में और इसको फिर से रीकैलकुलेशन करना चाहिए। तो क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं एजीआर वाले मामले को जितना हमने कवर किया उतना किसी भी बड़े यूट्यूबर ने कवर नहीं किया। एजेसस ग्रोस रेवेन्यू 2019 के 200 सितंबर में जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ का कर्ज था, ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़, जिसमें दो कंपनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, एक तरफ वोडाफोन आइडिया और एक तरफ एयरटेल। एयरटेल को ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ यहां पे चुकाने हैं और बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 58,000 करोड़, यस 58,000 करोड़ चुकाने, जिसमें 50,000 करोड़ भी बाकी है। वोडाफोन आइडिया की हालत तो आपको पता ही है दोस्तों बहुत खराब है, जिसके बारे में आपको समय-समय पे अपडेट देता हूं कि सरकार किस तरह से इसको बचाने जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहां पे दोनों ही कंपनी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक आह्वान किया था, एक पेटिशन डाली थी कि यहां पे जो डीओटी ने कैलकुलेशन की है जो अमाउंट की, इसमें बहुत बड़ा झोल है। डीओटी ने एक ही चीज को दो दो बार तीन तीन बार कैलकुलेशन किया, कितनी बार तो जो पैसे दे चुके थे उसको भी कैलकुलेटर कर दिया, मतलब इन कंपनियों की जो खुद की कैलकुलेशन थी सेल्फ असेसमेंट वो ऑलमोस्ट आधा है डीओटी से। अब दोस्तों ये दोनों ही तीनों ही कंपनियां पहले टाटा टेली सर्विस फिर वीआई फिर दोस्तों एयरटेल, तीनों ने एक पेटिशन डाली थी यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यहां पे कि रीकैलकुलेशन आप एक बार करा दीजिए और अगर उसके बाद में पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि यहां पे डीओटी ने गड़बड़ी की या नहीं की, और अगर गड़बड़ी होती तो यहां पे इन कंपनियों को अच्छा खासा दोस्तों यहां पे कम हो जाता इनका जो एजीआर इनको चुकाना इतनी बड़ी अमाउंट। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की 23 तारीख को उसको रिजेक्ट कर दिया और किसी भी तरह से बात नहीं मानी, बोला पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास दोस्तों अभी भी कानूनी दोस्तों प्रक्रियाओं में कुछ रास्ते होते हैं, तो फिलहाल अभी इन कंपनियों के पास दो ऑप्शन है। पहले ही अब डालेंगे रिव्यू पिटीशन, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया मान चुका है, आज एयरटेल भी दोस्तों मान चुका है। आप देख सकते हैं यहां पे एयरटेल प्लान्स टू फाइल रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर एजीआर केस का जो ऑर्डर यहां पे निकल के आया, और अगर ये भी नहीं होता तो उसके बाद दोस्तों ये डालेंगे क्यूरिटी पिटीशन। पहले देख लेते हैं एयरटेल क्या करना चाहता है। दोस्तों भारतीय एयरटेल प्लानिंग टू फाइल रिव्यू पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर दोस्तों यहां पे एयरटेल भी रिव्यू पिटीशन यहां पे डालेगा, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था इनका रीकैलकुलेशन का प्लान, लेकिन अब फिर से रीकैलकुलेशन के लिए डालेंगे। और यहां पे दोस्तों एजीआर की आप सभी जानते कि एजीआर की हालत बहुत खराब है कंपनियों की, जहां पे अगर बात कर ले जाए तो एयरटेल पे कितना कर्ज है, ऑलमोस्ट 43,980 ऑलमोस्ट 44,000 का दोस्तों यहां पे एयरटेल के ऊपर कर्ज है, और यहां पे ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ पे कर चुका है। यस एयरटेल 18,000 करोड़ दे चुका है, जहां पे 44,000 इसका टोटल यहां पे कर्ज था। और बात करें वोडाफोन की तो वोडाफोन पे दोस्तों ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ का कर्ज है, इसमें ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ है, मतलब अभी भी 50,000 करोड़ यहां पे एयरटेल को यहां पे चुकाना है। तो दोस्तों सो बात की एक बात है कि रिव्यू पिटीशन यहां पे कंपनियां डालने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन जाएगी, हो सकता है कोर्ट यहां पे सुनने के लिए यहां पे रेडी हो जाए, हो सकता है फिर से रीकैलकुलेशन हो जाए, हो सकता है, ये सारी कंपनियों को आशा है, हमें भी आशा है, और हो सकता है दोस्तों यहां पे रिव्यू पिटीशन के अंदर जो क्या नाम है कैलकुलेशन अगर फिर से रीकैलकुलेशन होता है पता चले कि यहां पे कुछ गड़बड़ी है तो कुछ तो इनको राहत मिल सकती है, क्योंकि कंपनियां दोस्तों इनकी खुद की कैलकुलेशन इतनी भी गलत नहीं हो सकती कि ये कंपनियां बार बार कोर्ट में जा रही है। हो सकता है 2-5-10 हज़ार करोड़ का यहां पे फर्क निकल जाए, लेकिन हजारों करोड़ों की बात चलेगी, 10 हज़ार करोड़ का भी दोस्तों अगर कम हो जाता इनके एजीआर तो कंपनियों के लिए बड़ी राहत यहां पे निकल के, क्योंकि खास करके वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए तो भी एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कंपनी बहुत जद्दोजहद कर रही है फंडिंग लाने के लिए, जिससे वो अपना कर्ज भी चुका सके और अपने नेटवर्क गीगानेट 4G को पूरे भारत में एक्सपांड कर सके, क्योंकि इन दोनों ही कंपनी की जो दोस्तों यहां पे जो ईएमआई है पहला इंस्टॉलमेंट 2022 के मार्च यानी अगले साल से शुरू होने वाला, तो कंपनियां दोस्तों सारे के सारे कानूनी पैंतरे यहां पे यूज करने वाली और जल्द से जल्द दोस्तों यहां पे अपना रिव्यू पिटीशन यहां पे डालने वाली। तो ये थी सबसे बड़ी खबर दोस्तों एजीआर वाले मामले में कि यहां पे पहले वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल भी दोस्तों आने वाले कुछ ही वीक के अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने वाले, जहां पे वो फिर से रीकैलकुलेशन की मांग करेंगे। अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या दोस्तों जवाब देती है। लेकिन ये वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज बोले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।